अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। ये रिश्ता जो है बहुत जो है ख़ास है उन अफराद के लिए जिनकी उम्र जो है वो इस वक्त 60 साल तक हो और वो चाहते हों शादी करना, पहली दूसरी या तीसरी। तो राबता करने के लिए मोबाइल नंबर जो है वो भी आपको बता दूंगा, आप उस पर राबता कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमारे थ्रू राबता करना चाहेंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तमाम तर तफसीलात लिख दें, हम आपसे राबता खुद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बराए मेहरबानी वही लोग राबता करें जो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हों और वाकई शादी करना चाहते हों। इसके अलावा तो जो है टाइम वेस्ट जो है अपना भी ना करें और दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना करें। तो चलते हैं आज के रिश्ते की तरह दोस्तों। ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी उम्र जो है वो 46 साल है और ये एक तलाक याफ्ता खातून है। 46 साल उम्र है, तलाक याफ्ता खातून है, देखने में खूबसूरत हैं। एक बेटी है जो इनके साथ ही रहती है, काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, देखने में खूबसूरत हैं। तो अभी जो है तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है शौहर से अलहदा हुए। इस वक्त ये पाकिस्तान के सिटी लाहौर में रहती हैं और काफ़ी अमीर फैमिली से हैं, देखने में खूबसूरत हैं। तो मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो हमारे दोस्त भाई मर्द हजरात जिनकी उम्र 60 साल तक हो और चाहते हों शादी करना, पहली या दूसरी या तीसरी। तो अगर वो इस फैमिली से रब्ता करना चाहते हों तो मैंने मोबाइल नंबर जो है वीडियो में आपने देख लिया होगा, थंबनेल पर जो है मोबाइल नंबर लिखा था। ये मोबाइल नंबर जो है ये जो ये खातून हैं इनके जो बड़े भाई हैं जो कि इस वक्त दुबई में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनका नंबर है ये। आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जो है अपनी तमाम तर तफसीलात इनको सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, देखने में खूबसूरत हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, काफ़ी अमीर भी हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी वही लोग रब्ता करें जो शादी के मामले में सीरियस हों और बिल्कुल जो है चाहते हों शादी करना, तो वो ही रब्ता करें। इसके अलावा बराए मेहरबानी ना तो उनका टाइम वेस्ट करें ना अपना। तो दोस्तों, आप रब्ता करें, अगर आपकी बात बन जाती है तो हमें भी दुआ में याद रखें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।